सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। पारा शिक्षकों के आंदोलन की आवाज जब कैबिनेट तक पहुंची तो बाहर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी अपना सुर बदला और पारा शिक्षकों के समर्थन में बोलने लगे, वो भी क्यों ना। पारा शिक्षकों का संगठन राज्य का सबसे बड़ा संगठन है और कुल 67,000 पारा शिक्षक सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो तख्ता पलट की तस्वीर भी गढ़ी जा सकती है। कि इनका जो डिमांड था, तो पहले भी ये लोग जब विधानसभा चल रहा था उस समय आपको ध्यान में होगा, दोनों गुट जो इनके दो गुट है, एक संजय दुबे जी वाला, एक विक्रांत ज्योति जी वाला, दोनों गुट आकर के 3-4 घंटा कंटिन्यू और जितने डिमांड थे जो संभव हो पाया उतना हम लोगों ने उसको पूरा किया। अभी फिर से जो उन लोगों का आग्रह था उसमें टेट पास की जो वैधता है 5 वर्ष उसे बढ़ा के 7 वर्ष करने की बात आई। देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से मानना है सरकार को अभिभावक का भूमिका अदा करना चाहिए और संवाद स्थापित करना चाहिए, बात करना चाहिए। अभिभावक का भूमिका क्या होता है आप खुद जानते हैं, क्योंकि ये भी पारा टीचर भी सरकार के ही अंग है और सरकार के कार्य को ही नीचे तक कर रहे हैं। उधर विपक्ष पहले दिन से ही पारा शिक्षकों के समर्थन में साथ है, अब अपनी सरकार के आने का इंतजार कर रहे हैं और वादा कर रहे कि सत्ता के आते ही उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। पारा शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष के लोग सड़कों पर भी उतरे। शिक्षकों को थप्पड़ मारा गया, आप देख लीजिएगा, स्कूलें बंद हो रही है, दारू के दुकान खोल रहे हैं। पारा शिक्षकों की जो मांगे हैं वो सब जायज हैं। बर्खास्तगी का तो ऐलान उन्होंने किया है जो हम उचित नहीं समझते हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हम उन बर्खास्त टीचरों के साथ रहेंगे और आंदोलन में भी साथ देंगे। पारा शिक्षक विगत 10 वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं, कभी मानदेय में वृद्धि को लेकर तो कभी स्थायीकरण की मांग पर। आंदोलन के अनुभवों से लैस पारा शिक्षक इस बार मैदान में पूरे दमखम से उतरे हैं। अब देखना है कि सत्ता का साथ उन्हें किस नतीजे तक लेकर जाएगा, वे पास होंगे या फेल। इधर स्कूलों में बच्चे खाना खाकर घर लौट रहे हैं क्योंकि मास्टर साहब की कुर्सी खाली है। रांची से सुरेंद्र सोरेन की रिपोर्ट।